Hello everyone. To get all notifications, click here, and click here. Enjoy. कितने लोग ये जानते हैं कि हम एक्चुअल में क्या खा रहे हैं? कितने लोग ये जानते हैं कि what food does to the environment हमारे प्लेट में आने से पहले? कितने लोग ये जानते हैं कि what food does to the farmers जो इन्हें उगाते हैं? क्या आपको पता है? कभी आपने सोचा है ये? तो ये कुछ सवाल है जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया. So let's understand what is our food. कुछ समय पहले आप सबने न्यूज़ में ये तो देखा ही होगा कि soft drinks और bottled water में pesticides पाए गए. तो ये आए कहाँ से? और अगर ये इसमें हो सकते हैं, अगर ये पानी की bottle में हो सकते हैं, तो उस पानी में भी हो सकते हैं जिनसे हम tea और coffee बनाते हैं. ये सब हम न्यूज़ में बार बार देखते हैं. इसके बावजूद भी हम दूसरे ही दिन ये सब भूल जाते हैं. वी नेवर वरी अबाउट इट. याद तो रहा ही होगा कि कुछ दिन पहले न्यूज़ में हमने देखा कि नूडल्स में हैवी मेटल्स पाए गए. तो ये हैवी मेटल्स नूडल्स में आए कहाँ से? और अगर इसे किसी ने डाला है तो फिर हैवी मेटल्स नूडल्स से ज़्यादा महंगा होता या फिर उसके किसी इंग्रेडिएंट में होना चाहिए. तो वही आटे से तो हम चपाती भी बनाते हैं और समोसे भी बनाते हैं और खाते हैं, तो फिर उसमें भी होना चाहिए, राइट? बट वी नेवर कनेक्ट द डॉट्स. सेम स्टोरी अबाउट द पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज इन वेजिटेबल्स. पर ये सब हम सुन के डर जाते हैं, पर उसके बाद शाम होते ही हम भूल भी जाते हैं. हम सब ये सोचते हैं कि अगर हम अच्छी जगह से फूड लेते हैं या फिर अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, देन इट इज सेफ. पर खाना उतना ही हेल्दी और सेफ होता है जैसे उसको उगाया जाता है. फूड इज एज हेल्दी एंड सेफ एज इट इज ग्रोन. जिन पेस्टिसाइड्स का उपयोग इन दिनों हमारे एग्रीकल्चर में होता है, उसमें से 1% पेस्टिसाइड्स ही इंसेक्ट्स को मारते हैं और बाकी के 99% पेस्टिसाइड्स जाते हैं पानी में और हवा में और हमारे खाने में. बट वी टेक इट वेरी कैजुअली. इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम. इट्स नॉट ओनली अबाउट द पेस्टिसाइड्स. हम सब पढ़े लिखे हैं. वी फील वी कैन मेक कनेक्शंस बट वी नेवर मेक देम. और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फार्मर्स मेक दोज कनेक्शंस और हमारे लिए सेफ खाना उगाए. इसीलिए तो डिसकनेक्ट हो बिटवीन हम क्या खाना ऑब्जर्व करते हैं, जानते हैं और कैसे एक्ट करते हैं. अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो कुछ सालों से ये पाया गया है कि द मिल्क इज कंटामिनेटेड विद द सिंथेटिक मिल्क. अगर आपको पर लीटर 40 रुपये में चाहिए तो हमें सस्ता खाना चाहिए. और कंपनीज के बीच कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ गई है. क्या आप जानते हैं कि आप जो एग्स मार्केट से खरीद के लाते हैं वो किस तरह के होते हैं? वो हैप्लॉइड्स एग्स होते हैं. हैप्लॉइड एग्स मीन्स नर और मादा को मिलाए बिना ही प्रोड्यूस किए जाते हैं. इसीलिए जब आप अंडे को तोड़ते हो तो उसमें से चिकन नहीं आता. तो अब वो कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? उसे प्रोड्यूस करने के लिए एस्ट्रोजन्स दिए जाते हैं. अब वही एग्स आप लोग खाते हैं तो अब ये एस्ट्रोजन्स क्या करेगा? ये एग्स खाने से ये एस्ट्रोजन आप में आएगा और यही कारण है जिनसे आज लड़कियों में पुबर्टी बहुत ज़्यादा है, वुमन में गायनिक प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गए हैं. यही अंडे खाने से पुरुषों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि पिछले साल के इंडिया टुडेज के सर्वे के मुताबिक 50% से ज़्यादा ब्रेस्ट सर्जरी पुरुषों में की गई है इंडिया में. क्या आपको पता है कि जो खाना हम रोज़ खा रहे हैं ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए भी
चीजों का ज्यादातर उपयोग किया जा रहा है, जिसमें से पहला है डाई कलर्स। वो कलर्स होते हैं जिनसे कपड़े को रंग दिया जाता है, नॉट फूड कलर्स इवन। जैसे कि मटर को ग्रीन कलर देने के लिए, तरबूज को लाल कलर देने के लिए और मीठा बनाने के लिए उसमें इंजेक्शन के थ्रू रेड कलर और सैक्रिन की गोलियां पिघले हुआ पानी भरा जाता है, और टमाटर के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाता है। दूसरा आता है वैक्स। वही वैक्स जिसका उपयोग एनिमल्स क्लीनिंग के लिए किया जाता है। अब अगर हम जाते हैं बड़े बड़े मॉल्स में या फिर मार्केट में, तो वहाँ हम देखते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव शाइनी रेड एप्पल्स। डू यू नो द ट्रूथ बिहाइंड दिस? जी, एप्पल को बाहर से शाइनी दिखाने के लिए यही वैक्स को एप्पल के ऊपर कोट किया जाता है, और यही एप्पल हम घर लाके खाते हैं, जिनसे डाइजेशन, लंग, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज हो सकता है। तीसरा जो केमिकल यूज किया जाता है हमारे खाने में, वो है कार्बाइड। वही कार्बाइड जिससे काफ़ी कैंसर होने की संभावनाएं पाई गई है। जैसे कि हम देखेंगे केले या मैंगोज, जिसको पकाने के लिए ज़्यादातर कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, और फिर ऐसा कार्बाइड वाला खाना खाने न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि हाइपोक्सिया, मेमोरी लॉस, सेरेब्रल एडिमा, डिजीनेस, मूड डिस्टर्बेंसेस, स्लीपीनेस और कई सारी शारीरिक मानसिक हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है। आगे भी अगर हम देखने जाए तो आता है पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, जो काफ़ी है कैंसर करने के लिए, नर्वस सिस्टम को डैमेज करने के लिए और हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन क्षमता को डैमेज करने के लिए, जिनसे बर्थ डिफेक्ट्स एंड सीवियर डिस्ट्रप्शंस ऑफ द इम्यून सिस्टम हो सकता है। और ये पेस्टिसाइड्स हम शायद रोज ले रहे हैं थ्रू सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड बॉटल्ड वाटर एंड मैनी मोर। ईच सॉफ्ट ड्रिंक्स हैज़ पेस्टिसाइड्स इनसाइड इट एंड वेरी हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स इन इट। हमें चिंता करनी चाहिए हमारे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स के लिए, जो ना सिर्फ पानी या पेस्टिसाइड्स के बारे में है पर ग्रोथ हॉर्मोन्स के बारे में भी है। सब कुछ, वो सब कुछ जो एग्रीकल्चर छोड़ रहा है उस खाने में जो हमारी प्लेट में आने वाला है। ये सब केमिकल्स तो होते हैं, इसके साथ साथ हम जो भी रोज बरोज के खाने में ले रहे हैं वो है स्वीटनर्स, एडिटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स एंड मैनी मैनी मोर हार्मफुल केमिकल्स। इन सब से दूर रहने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, वो ये है कि हम हमारी हेल्थ और हमारे खाने के प्रति ज़्यादा जागरूक हो और हम जाने कि कौन सा फूड रियल में ऑर्गेनिक है और कौन सा हानिकारक है, जो हम हमारे अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ये सब जानने के बाद हम सब के लिए यही सही रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड का उपयोग करें। इससे ये होगा कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड खरीदेंगे तो किसान भी ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा पकाएगा, और इससे हम, हमारा पर्यावरण और किसान सब सुरक्षित रहेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल आरओई आउट ऑफ बॉक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने विचार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखें, और हमारे वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेक केयर, थैंक यू।